हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो ये ऑर्डर बाय जो हमारा क्लास है, ये कीवर्ड है, इसे हम कैसे समझेंगे और कैसे यूज करते हैं इसको मैं बिल्कुल बखूबी से आपको समझाऊंगा। वो सारे डाउटफुल क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं ऑर्डर बाय को लेकर आज के बाद खत्म हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो ऑर्डर बाय करता क्या है? द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट। पहली बात तो सॉर्ट करने के काम आता है। द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय से हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। अच्छा, द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। अगर आपने कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा ऑर्डर बाय। लेकिन ऑर्डर बाय, अगर आपने सिर्फ ऑर्डर बाय लिखा है तो वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तब आपको डीएससी लगाना पड़ेगा। देखो, टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको फिर ऑर्डर बाय के आगे वो जो कॉलम है उसके आगे डीएससी लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करने, या स्टार भी लगा सकते हैं अगर आपको सारे कॉलम सेलेक्ट करने, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लगाना है। अब किसके ऊपर ऑर्डर बाय लगाना है? कॉलम का नाम। और फिर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूं असेंडिंग को लिखना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, क्लियर, लेकिन डिसेंडिंग लिखना जरूरी है। आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प, मुझे इम्प टेबल, ये मेरा इम्प टेबल है, इसमें से मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन ऑर्डर बाय हो किसके? एम्प्लॉय आईडी के। तो अगर मैं ध्यान से इस टेबल को देखूं, ये टेबल अभी ऑर्डर्ड नहीं है, इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है स्कैटर्ड है, 4 से शुरू हो रहा है, फिर 1, 3, 2, 5 ऐसे हो रहा है। तो जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, देखो क्या होगा रिजल्ट। देखा आपने, अब ये पूरा सॉर्टेड हो गया, अब ये सॉर्टेड हो गया और मुझे आंसर मिल गया। ओके, तो ये तो हमारा क्या था? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, क्योंकि हमने यहां पे कुछ लगाया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया उसने? असेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मुझे बस इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? डीएससी। तो जैसे ही मैं अब इस क्वेरी को रन करूंगा तो आप देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर बाय को असेंडिंग और डिसेंडिंग को समझना। अच्छा, अब आती है क्वेश्चन, ये देखो ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम्स। क्या हम ऑर्डर बाय एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिना निसंदेह इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात कि फायदा क्या है। फायदा क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फायदा क्या है, सपोज करो आपकी क्लास में ऐसे चार बच्चे हैं जिनका नाम सेम है, लेकिन आपको चाहिए कि वो, जैसे चारों बच्चों का नाम राहुल है, अब आपको चाहिए कि वो कौन सा राहुल है जिसके मार्क्स ज्यादा है, तो उस समय आप मल्टीपल कॉलम्स में ऑर्डर बाय लगाएंगे। दिखाता हूं मैं आपको। तो मल्टीपल कॉलम का ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है? सेलेक्ट, फिर जितने भी कॉलम आपको चाहिए, फ्रॉम, टेबल नेम, ऑर्डर बाय, अब एक से ज्यादा कॉलम है तो कॉमा लगा के कर दीजिए, और उसके आगे फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग जो आपको पता है। देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प, ऑर्डर बाय, अब मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी के हिसाब से क्या करना है? इसको ऑर्डर करना है। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो एक जॉन ये है और एक जॉन ये है। अब ये दोनों जॉन है, एक 20,000 सैलरी ले रहा है, एक 30,000 सैलरी ले रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे एम्प्लॉय नेम तो सॉर्टेड हो ही, साथ में सैलरी भी सॉर्ट हो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो मैं चाहता हूं वो जॉन जिसकी सैलरी कम है वो ऊपर आ जाए और वो जॉन जिसकी सैलरी नीचे है वो नीचे आ जाए। इस केस में जब मैं अब इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो आप देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने रन कराया तो देखो, वो जॉन जिसकी सैलरी 20,000 है वो ऊपर आ गया, क्योंकि दोनों ही है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया, और वो जॉन जिसकी सैलरी 30,000 है वो नीचे आ गया। फाइन, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब देखो, अब मैंने उल्टा कर दिया। मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, ई नेम को तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो लेकिन सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। तो अब मुझे वो जॉन चाहिए जिसकी सैलरी ज्यादा है, तो उसका क्रम बदल जाए। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो देखो, अभी अभी क्या है, जॉन जिसकी सैलरी 20,000 है वो ऊपर आ रहा है, मतलब एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2 है वो ऊपर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो अब आप देखो, वो 4 वाला ऊपर आ रहा है जिसकी सैलरी ज्यादा है, क्योंकि अभी मैं सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और नेम को आपका नेम को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो आपको मेरे ख्याल से फायदा और नुकसान समझ में आ रहा। फायदा इसका जो एक्चुअल में यूज है वो यही है, जब एक से ज्यादा नाम हो एक जैसे और उनके बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, ठीक है, तो आप ऑर्डर बाय एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम लगाएंगे, तब तो आपको कोई बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं, ये तो हो गई बात। अच्छा, अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूं, क्योंकि सारी बातें थ्योरेटिकल होती है, जब तक आप रन ना करें तो चीजें समझ में नहीं आती। तो ये मेरा एसक्यूएल का एनवायरमेंट खुला हुआ है। अब मैं यहां पे ना क्या करता हूं,
अब मैं यहाँ पे अपने इम्प टेबल जो है मेरा, पहले उसको देख लेता हूँ। ये मैंने, ये देखो मेरा इम्प टेबल है। तो ये मेरा इम्प टेबल है, इसमें आप देखो कि जितनी भी इम्प्लॉई आईडीज हैं आपके सामने दिख रही हैं, सब स्कैटर्ड है, 6, 2, 3, 4। मैं चाहता हूँ एक ऑर्डर में आए यार, वन वन आईडी पहले आए और लास्ट वाली आईडी लास्ट में आए। तो मैं क्या लिखूंगा, इसी के आगे लगाऊंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प ऑर्डर बाय, ORDER ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए, ईआईडी के। तो मैंने ईआईडी का कुछ भी नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। देख रहे हैं आप, 1, 2, 3 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो बस इसके आगे DESC लगा दो, ठीक है। तो मोमेंट मैंने DESC लगाया तो देखिए आप डिसेंडिंग 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, क्लियर। अच्छा अब आओ ऊपर वाले टेबल में ही देखो आप, आपके टेबल में तीन जॉन है, एक जॉन ये है, एक जॉन ये है और एक जॉन ये है। अब मैं चाहता हूं यार वो जॉन जिसकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे ऊपर है, और वो जॉन जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो नीचे है। मतलब अब सॉर्ट करूंगा कैसे करूंगा, तो मैं मल्टीपल कॉलम्स की बात कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय ई नेम कॉमा सैलरी, SSALARY, और कुछ भी नहीं लगाऊंगा, तो दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। जैसे ही मैंने रन कराया, अब आप देखो ये जो तीनों जॉन थे, अब भाई असेंडिंग नाम तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो बॉब बी से ही शुरू होगा, लेकिन जहां पे जॉन होगा वो तीनों एक साथ ही आएंगे, लेकिन वो जॉन सबसे ऊपर आएगा जिसकी सैलरी कम है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, और वो जॉन सबसे नीचे आएगा, सबसे नीचे मतलब जॉन वाले लिस्ट में जहां पे सैलरी उसकी ज्यादा है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं कि भाई नाम को तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में करो, लेकिन भैया सैलरी को ना तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो क्या होगा, वो जॉन जिसकी सैलरी ज्यादा है, अब देखना वो ऊपर आएगा। अब मैं इसको रन कराऊं तो देखो, वो जॉन, तीनों जॉन तो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन वो जॉन जिसकी सैलरी ज्यादा है वो ऊपर आ रहा है, और वो जॉन जिसकी सैलरी कम है वो नीचे आ रहा है, क्लियर। तो ये मुझे बताना था कि ऑर्डर बाय जो भैया आपका क्लॉज है उसको भी बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है, उसका यूज क्या है उसको भी बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि ये ऑर्डर बाय काम कैसे करता है। तो मैं लास्ट में आपको वही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।